पौड़ी में मानसून ने अभी तक पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है, लेकिन बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश से चाकीसैंण तहसील के अंतर्गत सुनार गांव समेत 3 गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल बह गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चाकीसैंण तहसील के अंतर्गत हुई 5 घंटे की मूसलाधार बारिश से पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद 3 गांव के करीब 80 परिवारों को कच्चे पैदल पुल से आवाजाही करनी पड़ रही है। जिलाधिकारी पार्टी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि तहसील प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण के लिए की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहसील में सुनार गांव, कठूड़ और कृषाल ग्राम पंचायतों को एक जो पुल पैदल पुल जोड़ता था वो बह गया है कल रात की वर्षा में। उसको देखते हुए हम लोग अभी संबंधित तहसील से रिपोर्ट हमने प्राप्त किया है और शीघ्रता से उस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग को निर्देश दे दिया है। उसका जैसे ही उसका तैयार हो जाता है वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और आम जन के सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा।